जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लग जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। वहीं जब देव गुरु बृहस्पति सूर्य के संपर्क में आते हैं तो गुरु का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस दौरान सभी शुभ काम पर पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे एक साल में दो बार ऐसा मौका आता है जब खरमास लगता है। वहीं खरमास में मांगलिक कार्य करने पर रोक होता है। इसके साथ ही कई ऐसे काम होते हैं जो खरमास के दौरान करने चाहिए। इन्हीं में से एक है दान। खरमास में दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि खरमास में क्या चीजें दान करनी चाहिए। चांदी का दान। खरमास में घी से भरे चांदी के पात्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है। चने का दान। खरमास में चने का दान करने का विशेष महत्व होता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। गुड़ का दान। खरमास में गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और लोगों से आपसी संबंध मजबूत होते हैं। शंख का दान। पूजा पाठ में शंख का विशेष महत्व होता है। इसे खरमास महीने में दान करने से धन लाभ का योग बनता है। आटा दान करना। खरमास में गरीबों और बेसहारा लोगों को आटा दान करना चाहिए। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। लाल चंदन का दान। खरमास महीने में लाल चंदन का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आने लगती है। खरमास में बर्तन का दान करना चाहिए। खरमास में बर्तन का दान करना शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को कलह कलेश से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा खरमास में वस्त्रों का दान करना भी फलदायी माना जाता है। लेकिन ये चीजें दान करने के लिए खरमास से पहले ही आप इसकी खरीदारी कर लें, क्योंकि खरमास में इन चीजों की खरीदारी नहीं की जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।